हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक छोटा सा पिल्लो मसाजर जो कि है डॉक्टर फिजियो ब्रांड का। ये बेसिकली एक यूएसए बेस्ड ब्रांड है जो कि काफ़ी अच्छे खासे प्रीमियम क्वालिटी मसाजर्स प्रोवाइड करवाता है आपको। इसके मल्टीपल मसाजर्स जो है अमेज़न पे अवेलेबल है और मैंने उनमें से ये एक छोटा सा पिल्लो मसाजर परचेज़ किया है जिसका कि रिव्यू मैं करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। चलिए फटाफट से सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स। तो इसके बारे में सारी कुछ जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आप यहाँ पर बॉक्स पर पढ़ सकते हो बहुत ईजिली और क्लियरली। और उसके बाद में चलिए फटाफट से करते हैं बॉक्स को ओपन। तो ये बॉक्स आपको बिल्कुल भी सील पैक्ड वगैरह नहीं मिलता है, ओपन ही मिलता है। और इसकी वारंटी जो है आप ऑनलाइन रजिस्टर वगैरह भी कर सकते हो, इनकी वेबसाइट अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी। और ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है ये एक अडेप्टर जिसके थ्रू इसको मिलने वाला है पावर। और उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाती है मेन यूनिट जो कि है मसाजर। और ये एक सिंपल सादा सा आपको मिल जाता है मैनुअल जिस पे बेसिक इसके ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिख रखे हैं। तो ये आपको नॉर्मल सी अच्छी खासी पैकिंग में मिल जाता है और क्वालिटी वाइज़ ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। जब इसको आप हाथ में पकड़ के देखोगे तो आपको फील होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं रखे, ऊपर आपको नॉर्मली एक ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा और पीछे की साइड में आपको मिलेगी एक केबल जिसके थ्रू आपको इसको कनेक्ट करना होगा अडेप्टर के साथ में। और अडेप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ में आपको दो अडेप्टर्स मिलते हैं, एक आपको अपनी कार में कनेक्ट करने के लिए मिलता है जिसके थ्रू आप इसको अपनी कार में भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा अडेप्टर आपको मिलता है वो अपने घर में यूज़ करने के लिए। तो छोटा होने के साथ साथ इसका ये एक एडवांटेज भी है कि आप इसको अपनी कार में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ और फिर करते हैं आगे की बात। तो गाइज अभी इसको 2-3 दिन यूज़ करने के बाद में जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बनाने में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो तो काफ़ी अच्छा खासा है मैं कहूँगा, और जैसे कि आप भी देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये लग रहा है। और इसको कुछ इस तरह से आपको अपने पीछे बैक साइड में पोजिशन करना होता है यूज़ करते टाइम। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है। तो ये जो बटन है ये एक मल्टी फंक्शन बटन है, इसको आप एक बार प्रेस करते हो तो ये ऑन हो जाता है विद हीटिंग के फीचर के साथ में। और वापस इसको आप जब सेकेंड टाइम प्रेस करते हो तो इसका जो रोटेशन है वो चेंज हो जाता है वापस दूसरी तरफ, और तीसरी बार जब आप इसको प्रेस करते हो तो हीटिंग का जो फीचर है वो ऑफ हो जाता है और ओनली जो है मसाज नॉर्मल वाली वो ऑन रहती है। और फोर्थ टाइम वापस प्रेस करने के बाद में ये जो है बंद हो जाता है। तो चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको ऑन करके कि कैसे क्या काम करता है। तो अभी मैंने इसको कर दिया है पावर कॉर्ड से कनेक्ट यहाँ पे, और अभी मैं करता हूँ इसको ऑन। तो जैसे ही एक बार मैं इस बटन को प्रेस करूँगा आप देख सकते हो ये ऑन हो चुका है और जो मसाजर है अंदर वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया है। अभी इसको मैं सेकेंड टाइम जब प्रेस करूँगा तो ये अपना रोटेशन जो है वो चेंज करेंगे दूसरे डायरेक्शन में। तो ये आप देख सकते हो ये दूसरे डायरेक्शन में रोटेशन ऑन हो गया है। और इसके साथ ही साथ ये जो हीटिंग का फीचर दे रखा है इसमें कुछ तो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और स्टार्टिंग में आपको थोड़े टाइम के लिए नहीं लगेगा कि हीटिंग का कितना इफेक्ट है, पर आप जैसे ही 5-10 मिनट यूज़ करोगे उसके बाद में आपको काफ़ी अच्छी खासी हीटिंग जो है यहाँ से मिल जाती है और पेन रिलीफ में काफ़ी ज़्यादा वो यूज़फुल रहता है। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो मटेरियल यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है ये काफ़ी अच्छा खासा है वैसे तो मटेरियल इस मसाजर के लिए खुद के लिए तो, पर अगर आप बिना टी शर्ट या फिर लाइक डायरेक्ट स्किन पे इसको लगाते हो ये उतना ज़्यादा स्किन फ्रेंडली जो है आपको फील नहीं होने वाला है। तो जब भी आप इससे मसाज कर रहे हो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टी शर्ट या फिर कुछ भी पहन के उसके बाद में ट्राई करें। डायरेक्टली अगर आप बिना टी शर्ट के यूज़ करोगे तो ये आपको उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगने वाला है। और अगर आप इसकी डायरेक्शन जो है बटन से चेंज नहीं करना चाहते हो तो भी एक फिक्स टाइमिंग इसमें सेट कर रखी है, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली जो है दूसरे साइड में रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ रोटेट होता है कुछ कुछ टाइम में। और उसके बाद में अगर आप इसको हीटिंग का जो ये फीचर है इसको आप बंद कर देना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया था तीसरी बार आप जब इस बटन को प्रेस करोगे तो हीटिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा और नॉर्मल मसाजर जो है वो ऑन रहेगा। और उसके बाद में फोर्थ टाइम जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो ये हो जाएगा बंद। और इसके बाद में इसके पीछे जो ये आपको स्ट्रैप दे रखा है आपको अपनी चेयर या फिर अपने कार के जो सीट्स है उसमें फिट करने के लिए, तो स्ट्रैप जो है इलास्टिक की क्वालिटी मेरे को ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस इलास्टिक को एक बार पूरी तरह से इसका जो मैक्सिमम जो है उसको खींचने की कोशिश की तो उसके बाद में यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक आपका टिकने वाला नहीं है, पर फिर भी एक ऑप्शन दे रखा है आप इसको अटका के रख सकते हो वरना ये जो है बार बार हिलता डुलता रहेगा। बाकी ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी खासी है, वायर्स की क्वालिटी भी अच्छी खासी है मैं कहूँगा। और इस मसाजर का जो इफेक्ट है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको अपना प्रेशर जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जितना प्रेशर आप इसके ऊपर डालोगे अपने शरीर से
तो बहुत ज़्यादा अगर आपने प्रेशर डाल दिया तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि अंदर जो ये मसाजर है वो बिल्कुल प्लास्टिक के है, एकदम हार्ड कोर, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। तो ज़्यादा प्रेशर अगर आप डालते हो तो आपको ये पेन रिलीफ की जगह शायद और ज़्यादा पेन भी दे सकता है। पर अगर आप इस पर जेंटली अपना जो है प्रेशर पुट करोगे तो काफ़ी अच्छा खासा मसाज ये कर देता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी साइज़ वाइज काफ़ी अच्छा खासा और कॉम्पैक्ट है, तो आप इसको अपनी कार में भी आई थिंक काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और घर पे तो चेयर वगैरह पे यूज़ कर ही सकते हो। तो ये सारी कुछ बातें थी इसके बारे में। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो अगर आप भी इसको परचेज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके आप बहुत ईजिली इसको परचेज कर सकते हो। और अमेजन का सेल भी जो है अब खत्म होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी जाके इसको परचेज कर लो। और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।